आज थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के सामने आने में। एक्चुअली क्या है ना कि सुबह से ही थोड़ा सा माइंड अपसेट चल रहा है। वो वेस्ट बंगाल के हालात थोड़े से खराब चल रहे हैं और सभी रिलेटिव्स भी वेस्ट बंगाल में ही हैं हमारे, तो इस वजह से मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ब्लॉगिंग करने की भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, और सुबह ही एक बैंक का काम भी पड़ गया था तो उसको भी निपटाया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर अभी भाई को मैसेज किया, थोड़ा सा उसको बोला कि डोंट बी सैड, डोंट फील बैड। एक्चुअली लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, तो अभी डाउन है तो कल अप भी होगा, तो इसलिए नेगेटिविटी तो हम वैसे भी अपने अंदर रखते नहीं हैं। तो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ एक और दिन की शुरुआत करते हैं। सो हे एवरीवन, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो 10:30 बज चुके सुबह के, वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो अभी हमारे पास कुछ कुछ काम है जिसको खत्म करने हैं, निपटाने हैं, कुछ कुछ है तो उसको खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और सुबह से अभी तक एक बार भी कैमरा नहीं उठाया। अभी जाके कैमरा उठाया है और सुबह से कैमरा उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था। ये भी पड़े हुए हैं और हम भी बस मूवी देख रहे हैं। इच्छा नहीं हो रही थी आज पूरा दिन कैमरा उठा के ब्लॉग करने की। पता नहीं आज का दिन ही थोड़ा सा डाउन डाउन लग रहा है, बट हाँ बहुत कुछ किया है। ब्लॉग नहीं किया है बट बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। एक्चुअली मैं दूसरा एक चैनल बना रहा हूँ जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए रहेगा स्पेशली, उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किया जाएगा, सारे शॉर्ट्स ही अपलोड करेंगे। जो दूसरा वाला चैनल यूट्यूब शॉर्ट्स का रहेगा उसमें सोच रहा हूँ सिर्फ मोटिवेशनल इमोशनल शॉर्ट्स ही डाला करूँगा। आप कुछ डालेंगे क्या उसमें? इन्होंने तो वैसे नया चैनल बना लिया है अपने नाम से, व्यू अभी नहीं आ रहा है, आएगा बट एक दिन ज़रूर आएगा, मिलियन मिलियन व्यू आएगा, पक्का आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा पक्का। तो हमारे घर में पेड़ों का बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, पेड़ नहीं पौधे, गुलाब के, उधर गेंदे के, बहुत सारे पेड़ पापा ही लगाए हैं सब पेड़। पापा को बहुत शौक है, इनको भी बहुत शौक है वैसे। ये भी मुझे बताती हैं कि ये अपने घर में जब रहती थी तो नहीं पता क्या क्या पेड़ों के लिए करती रहती थी। बहुत सारे पेड़ थे, सूख गए, आधे से ज्यादा तो ये गर्मी की धूप में सूख गए हैं। ये गोला वाला बचपन में बहुत खाते थे ना, गोला बहुत मज़े लेके खाते थे, लेकिन अभी लगता है कि नहीं खाना चाहिए, बट बचपन में वही चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। और अभी हम समझाते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं अच्छी चीज़ नहीं है ये, होता है उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी तो आती ही आती है। और कल का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल का पूरा ब्लॉग बांग्ला में रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे बांग्ला व्यूअर हैं, हमारे कोलकाता में बहुत सारे व्यूअर हैं, तो पूरा ब्लॉग बांग्ला में होगा। तो एक बार मैं बांग्ला में भी बोल देता हूँ कि कल के कार पूरा ब्लॉग टाइम बांग्ला पे होगा। तो कल के वीडियो जो ने अपेक्षा कर रहे, आज के वीडियो था ना, कल के वीडियो था माने कल के जेट अपलोड होगा सेटा ना, परसों जेट अपलोड होगा मतलब परसों जो अपलोड होगा वो पूरा बांग्ला में रहेगा। इधर का आसमान साफ है बट इधर के आसमान में पूरे बादल हैं, काले काले बादल हैं, तो मे भी हो सकता है कि आज पानी गिरे, और थोड़ा सा पानी गिर जाए तो गर्मी भी कम हो जाएगा यार, बहुत गर्मी बढ़ चुका है। पर परसों का नहीं, कल का ही ब्लॉग, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वो कल ही हो जाएगा, मेरे लिए परसों होगा, क्योंकि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो तो कल अपलोड करूंगा, तो कल जो वीडियो बनाऊंगा वो परसों अपलोड करूंगा, तो ये वीडियो तो कल आएगा, तो मतलब कल जो वीडियो आने वाला है पूरा बांग्ला में रहेगा, पूरा टोटल। ये ऑफिस वाला जो डेस्कटॉप है उसको मैंने अभी यहाँ पर रख के टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो बहुत सारे पुराने पुराने फोटोज है, तो वही मैं अभी देख रहा था, आपको भी दिखाता हूँ 2-4 दो 3 साल पहले के भी और बहुत बहुत पुराने भी हैं, कुछ कुछ दिखाता हूँ आपको। ये 1-2 साल पहले यहाँ जू है बिलासपुर का, वहाँ गए थे, तो वहाँ का फोटो है, ये भी वही का है, सब वही का है। ये वाला जिम का है,
ये वाला फोटो 4 साल पुराना है, डेट लिखा हुआ है 3 जुलाई 2017 का। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो अभी फिलहाल हैं भूपेश बघेल जी, उनके साथ है ये फोटो। बहुत दिनों से ये रूम फ्रेशनर कार में ही रखा हुआ था, फाइनली आज इसको निकाल के लाया। नहीं आज नहीं, कल जब कल ऑफिस गया था ना तभी इसको निकाल लिया था। और इसकी खुशबू जो है ना थोड़ी थोड़ी स्वीट स्वीट टाइप से है। और इसका नाम है मॉर्निंग मिस्टी। इसको थोड़ा सा मारते हैं। आ रही है खुशबू। और आज का जो व्लॉग है ना वो आई थिंक थोड़ा सा छोटा बना है, तो व्लॉग को थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा गिटार की प्रैक्टिस जोड़ देते हैं, थोड़ा सा गाना वगैरह हो जाए, होना तो चाहिए। और गिटार क्या है, मैं कई दिनों से ढंग से नहीं बजा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो नाखून है ना वो थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो पहले इस नाखून को कट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गाना बजाना करते हैं। बना तो एक और दिन खत्म हो चुका है। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। वो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकॉन भी दबा दें, तो आपके पास जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टाटा।